आरबीआई गवर्नर की जो अनाउंसमेंट्स आई हैं वो ज़्यादातर एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही हैं। जहाँ तक रेपो रेट का सवाल है वो 6.5% पे कायम रहेगा, और जहाँ तक हमारे इन्फ्लेशन, जहाँ तक कमोडिटी पॉलिसी स्टांस का सवाल है, वहाँ पर आरबीआई ने ये कहा है कि वो भी विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन पे मेंटेन रहेगा। इस मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट में एक और थोड़ी सरप्राइजिंग जो न्यूज़ आई थी वो आई थी इन्फ्लेशन फोरकास्ट के हिसाब से। तो वहाँ पे आरबीआई के एस्टिमेट्स के हिसाब से इस साल FY24 में इन्फ्लेशन 5.4% रहेगा, ये आरबीआई का खुद का एस्टिमेट है, और आगे जाके इसको आरबीआई काफ़ी क्लोजली वॉच करेगी कि ये किस तरह से डेवलप होता है। ये जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट बढ़ाया गया है 5.1% से 5.4% कर दिया गया है, वो इसलिए किया गया है क्योंकि सब्जियों के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ में चावल, गेहूं और दालों के भावों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये आरबीआई काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहा है। आरबीआई के हिसाब से कुछ महीनों में ये दाम घटेंगे, लेकिन क्योंकि बारिश का पैटर्न ठीक से नहीं रहा है और एल नीनो के जो परेशानी है वो अभी भी कायम है, और उसे आरबीआई काफ़ी क्लोजली वॉच करेगा कि उसके हिसाब से इन्फ्लेशन किस तरह से डेवलप होगा। साथ ही साथ में ने एक इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट भी इंट्रोड्यूस किया है बैंकिंग सिस्टम के लिए, जो एक्सेस लिक्विडिटी है, जो बहुत ज़्यादा पैसा बैंकों के डिपॉजिट में पड़ा है, उसे बाहर निकालने के लिए, उसे सिस्टम से बाहर निकालने के लिए आरबीआई ने एक इंक्रीमेंटल CRR, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो इंट्रोड्यूस किया है। कैश रिजर्व रेशियो जो है वो एक फैसिलिटी है आरबीआई प्रोवाइड करती है बैंक्स को, जहां पे बैंक्स अपने एक्सेस बैंक डिपॉजिट्स को पार्क करेगी, पर बैंक्स को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो इस इंक्रीमेंटल CRR में 10% का रिक्वायरमेंट है उन डिपॉजिट्स पे जो कलेक्ट किए गए हैं बिटवीन May 19th और July 28th। तो इस इन डेट्स के बीच में जो भी डिपॉजिट्स कलेक्ट किए गए हैं उसका 10% ये CRR में हटा के रखा जाएगा। आरबीआई के हिसाब से इसे हटाने के बाद भी बैंकिंग सिस्टम में इतनी तो लिक्विडिटी रहेगी कि जो सिस्टम की जो भी नीड्स हैं क्रेडिट की वो बैंकिंग सिस्टम ढंग से प्रोवाइड कर सके। आरबीआई September 8th को इस इंस्ट्रूमेंट का एक रिव्यू लेगा और डिसाइड करेगा कि क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर वापस लेना चाहिए। ये डिसीजन September 8th तक ही आएगा। तो उसके हिसाब से आरबीआई की जो अनाउंसमेंट्स हैं ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस में ही रही हैं, लेकिन एक थोड़ी सी चेंज हुई है ऑन द इन्फ्लेशन फोरकास्ट एज वेल एज ऑन द इंक्रीमेंटल CRR रेशियो। तो ये जो चीजें हैं वो आगे जाके किस तरह से बैंकिंग सिस्टम को अफेक्ट करेगी वो हम काफी क्लोजली वॉच करेंगे। थैंक यू।